मैं हूँ शिल्पी और आपका स्वागत है हमारी रसोई में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नारियल के लड्डू बनाने। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है लगभग 200 ग्राम नारियल का बुरादा, जिसे नारियल पाउडर। मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क मेड, जो आसानी से शॉप पे आपको मिल जाएगा, नेस्ले का या अमूल का। यहाँ मैंने थोड़ा सा बुरादे को फ्राई करने के लिए घी लिया है, इलायची पाउडर, और ये हमने काजू लिया है लड्डू को ऊपर से सजाने के लिए। मैंने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाएगी थोड़ी तो हम इसमें घी डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें घी डाल देंगे। घी पिघल गया, अब हम इसे अब इसमें नारियल पाउडर डालेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और आँच एकदम कम रखेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। लगातार चलाते हुए मैंने इसे 5 मिनट तक भूना, इससे इसका कलर देखिए चेंज हो गया। अब हम इसमें मिल्क मेड डाल देंगे। अब हम इसमें मिल्क मेड डाल रहे हैं। मिल्क मेड हमें इतना डालना है जितने से ये अच्छे से लड्डू बन जाए। अब हम मिल्क मेड और नारियल पाउडर को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। मैंने अच्छी तरह से मिल्क मेड और नारियल पाउडर को मिला लिया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। हमें इसमें चीनी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि मिल्क मेड ऑलरेडी मीठा होता है। ये बहुत गर्म है, हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए, लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो फिर लड्डू का शेप नहीं बन पाएगा। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इस लड्डू का शेप देंगे। हमें इतना लेना है और इसे ऐसे करते हुए गोल बनाना है। हमें इसे ऐसा सेक देना है। ये लड्डू बन गया है, अब इसे हम थोड़ा सा सूखे नारियल के बुरादे में ऐसे लपेट देंगे। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है दिखने में। अब इसमें हम काजू निकाल लगा के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी लड्डू भी बना लेंगे। हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। यह बहुत ही इजी रेसिपी है। भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसे आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।